असलम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो कि रमज़ान में बिजी हैं और ईद की तैयारियों के लिए उनके पास पॉलर जाने का टाइम नहीं तो वो पॉलर वाली सभी फैसिलिटीज़ घर में ले सकती हैं वो भी बिल्कुल लो बजट में तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना सिर्फ ईद के लिए नहीं बल्कि ईद के बाद भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके तो अब बगैर टाइम जाए कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए हेयर प्रोटीन मास्क बनाएंगे जो कि आजकल पॉलर्स में बहुत फेमस है जिसके लिए हमें चाहिए है एग वाइट जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और हमें चाहिए दो किस्म के ऑयल्स जिसमें मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है और साथ ही मैंने ले लिया है यहाँ पे एलोवेरा एलोवेरा अगर आप चाहें तो आप लोग ताज़ा भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी जेल यूज़ की है जो कि मार्केट से इजीली अवेलेबल है तो ये चार चीज़ें आप लोगों ने लेनी है प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो एग वाइट है उसको हम लोग एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से आप बाउल ले लें उसमें आप इसको एग वाइट को डाल दें एग वाइट में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और इससे अच्छा प्रोटीन आपके बालों के लिए कोई भी नहीं है एग वाइट आपने बड़े बाउल में इसलिए लेना है क्योंकि ताकि आप अच्छे तरीके से इसको फेंट सकें आपने इसको इतना फेंटना है इतना फेंटना है कि ये एक फोमी सा टेक्स्चर इसका बन जाए गाढ़ा से एक टेक्स्चर बन जाए इसका इस तरीके से आप लोगों ने इसको फेंट लेना है एग वाइट लेना है एग योग नहीं लेनी है बिल्कुल भी आपने इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है आप लोग ये मास्क घर में लाजमी लगाएं बनाकर अगर आप ये मास्क एक बार लगाएंगे ना तो आप पॉलर का प्रोटीन ट्रीटमेंट भूल जाएंगे एक ही दफा के अप्लाई के साथ ये आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स देगा यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे सरसों का तेल भी लिया है दोनों मैंने थ्री थ्री टेबल स्पून लिए हैं क्वांटिटी आपने इनकी सेम रखनी है थ्री थ्री टेबल स्पून लेना है और थ्री ही टेबल स्पून आपने यहाँ पे एलोवेरा जेल के लेने हैं एग वाइट में आपने ये जो तीनों चीजें ऐड करनी है आपने याद रखना है तीनों के आपने थ्री टेबल स्पून यूज करने हैं यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों के ले लिए हैं थ्री टेबल स्पून इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और दैट्स इट आपका यहाँ पे ये हेयर प्रोटीन मास्क बिल्कुल रेडी है अच्छे तरीके से आप इसको फेंट लें और ये आपका रेडी हो जाएगा आपने इसको सर पे अप्लाई करना है बिल्कुल रूट्स पे आपने इसको अप्लाई करना है जड़ों में अच्छे तरीके से लगा लेना है और तीन घंटे के लिए आपने इसको शावर कैप लेके रखना है जब आप इसको रूट्स पे लगा लें और बाकी का जो आपको मास्क बच जाएगा उसके अंदर आपने डालना है वन टेबलस्पून कंडीशनर कोई भी कंडीशनर जो आप यूज़ करते हैं जो आपको सूट करता है वो आपने वन टेबलस्पून स्पून डाल के अपने बाकी के जो टिप्स के बाल हैं उसके ऊपर बाकी का ये मास्क अप्लाई कर लें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा तो मैक्सिमम आप इसको तीन घंटे के लिए सर पर लगा के रखें उसके बाद नॉर्मल शैम्पू के साथ वॉश कर लें और अगर आप लोग तीन घंटे नहीं लगा सकते तो कम अज़ कम आप इसको दो घंटे तो लाजमी अप्लाई करें इसके अच्छे रिजल्ट लेने के लिए तो बिल्कुल नेचुरल आपका ये प्रोटीन मार्क्स बनके रेडी हो चुका है आप लोगों ने इसको लाजमी अप्लाई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे मुझे तो एक दफा में इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आए थे अभी मैं ये लगाऊंगी उसके बाद मैं इसको लगा कर रखूंगी तीन घंटे तो फिर मैं हेयर वॉश करने के बाद आपको बताऊंगी कि कैसा रिजल्ट आया है कितनी बालों में शाइनिंग आती है कितने स्मूथ और सिल्की से बाल हो जाते हैं आपके बालों को मॉइस्चर भी मिलता है डेंडरफ भी खत्म होती है हेयर फॉल भी रुक जाता है चले जी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं यहां भी मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और आपको दूर से ही नजर आ रहा होगा मेरे बालों की शाइनिंग इतनी बेहतरीन किस्म की शाइनिंग आई थी मोस्टली मैं जब हेयर वॉश करती हूँ ना तो मेरे बाल फूल जाते हैं बहुत ज्यादा फूल जाते हैं क्योंकि मेरे वेवी बाल हैं पर आज मैंने प्रोटीन मास्क लगा के हेयर वॉश किए हैं, हैं आप बालों की शाइन भी चेक कर सकते हैं बाल मेरे बिल्कुल भी नहीं फूले यहां पर आपको काफी हद तक मेरे बाल स्ट्रेट नज़र आ रहे होंगे जबकि मेरे बाल जिनसे हैं वो वेवी हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था इतने सॉफ्ट और सिल्की मेरे बाल हो चुके थे अब दूर से ही बालों की शाइनिंग देख सकते हैं तो आप लोगों ने में इसको अप्लाई करना है अभी हम सेकंड वीडियो की तरफ आ गए हैं हेयर है कटिंग करेंगे जिसके हैं चार से पांच स्टेप्स बहुत ही ईजी स्टेप हैं बहुत ही इजी वे में आपको कटिंग हो जाएगी और इजीली मैं आपको समझाऊंगी आपको समझ आ जाएगी और उसके बाद मुझे यकीन है कि आप लोग घर में ही कटिंग किया करेंगे और अपने शोहरों के जो उनसे है ना दो से तीन हजार जो कटिंग है ना वो बचा लेंगे तो यहां पे मैं थोड़े से स्ट्रेट कर रही हूँ बाल यहां आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट से मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं और बालों की चमक और बढ़ गई है इतने सॉफ्ट और सिल्की बाल इस टाइम मुझे फील हो रहे थे ना प्रोटीन ट्रीटमेंट से तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ मेरी पिछली कटिंग ये भी मैंने खुद की हुई है थोड़े से बाल बढ़ गए हैं स्टेप्स बढ़ गए हैं इसलिए वाजिया नहीं हो रहे अब कटिंग होगी तो फिर आप देखेंगे तो आप लोगों ने वो जो बोलते हैं ना घबराना नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि जब कटिंग हो जाती है ना जब लास्ट में आता है नज़र के कटिंग के स्टेप्स क्या है फिर पता चलता है तो अब हम लोग पहले स्टेप की तरफ चलते हैं फर्स्ट स्टेप में आपको आपको सबसे पहले चाहिए है कैंची ब्रश और पोनीटेल जो कि लाजमी है ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस वक्त मौजूद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपने सारे बाल इस तरीके से आगे कर लेने हैं आप लोगों को नीचे से भी बालों की शाइनिंग नजर आ रही होगी मुझे इतना प्यार आ रहा था अपने बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट लगाने के बाद कि बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की बाल हो गए थे इस तरीके से आपने सभी बाल आगे कर लेने हैं और आप लोगों ने यह ध्यान रखना है कि सभी बाल प्रॉपर तरीके से आगे हों क्योंकि अगर आप प्रॉपर आगे नहीं करेंगे तो बाल आपके ऊंचे नीचे भी कट सकते हैं तो बहुत आसान स्टेप्स आपको बताऊंगी आप लोग इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं कोई इसमें मुश्किल नहीं है औरतों को तो इस तरह के काम इजीली आ ही जाते हैं सभी बाल आगे करके आपने इस तरीके से पोनी बांध लेनी है यहाँ पर और सेकंड पोनीटेल आपको चाहिए जिनके बड़े बाल हैं वो यहाँ पे दो से तीन भी लगाएंगे क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी छोटे थे तो मुझे दोनों दो, दो पोनी टैल्स ही काफ़ी थी दूसरी पोनी आपने बांध के इस तरीके से ये देखें अच्छे तरीके से आपने बांध लेना है ये देखें ब्लूपर्स लाजमी होते हैं इसमें अक्सर ना काम बीच में खराब हो जाता है ये देखें उस हद तक आपने ये पोनी बांधनी है जितनी आपको कटिंग चाहिए ऐसे बांध के इसको थोड़ा सा खींच लें ताकि ऊपर से बाल सीधे हो जाएं और आपने जितने बाल कट करने हैं ना वहां तक इस पोनी को ले जाए यहां पर आप कटिंग अच्छे बाल जो वो काट सकते हैं यहां पर जो आप बाल कट करेंगे उसका आपकी लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है लेंथ जो आपकी छोटी होगी वो आपके लास्ट स्टेप में होगी मैं आपको बताऊंगी इस वक्त जितने बाल कट रहे हैं ये बाल जब कटेंगे ना आपके तो ये आपके स्टेप्स कट रहे हैं आपके जितने रफ़ बाल होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक वो सभी कट जाएंगे इसके साथ तो यहाँ पर आपने लेंथ की टेंशन नहीं लेनी और इतने ज़्यादा भी नहीं काट देने कि लेंथ नहीं छोटी होगी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाए ये देख सकते हैं इतने मैंने बाल यहाँ पे कट किए हैं और उसके बाद आपने इसको देख लेना है कि आपके बाल बिल्कुल सीध में कट हुए हैं कि नहीं बहुत इजी स्टेप्स हैं इजीली आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं जो स्टेप आप इजीली फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल मैंने वीडियो में वो बताए हैं इस तरीके से आपने चेक कर लेना है कि बाल बिल्कुल सीधे कटे हैं आप यहां देख सकते हैं फिर आप इसको पोनी को आराम से खोल दें इसको खोलने के बाद आप लोगों ने इस तरह सीधे रख की सीधे रुख को आपने कैंची को चलाना है उससे ये होता है कि आपके बाल नीचे से बहुत अच्छे तरीके से ना स्मूदली कट जाते हैं इस तरीके से आप थोड़ी सी कैंची चलाएं इसको बस बहुत ही आसान तरीका है उसके बाद आप इसको खोल दें आपकी बिल्कुल वी शेप में कटिंग हो जाएगी और साइड से बिल्कुल स्टेप्स कट जाएंगे अभी जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि जब आप पॉलर भी जाते हैं आपकी कटिंग हो रही होती है आपको समझ नहीं आती मेन जो चीज़ होती है ना कटिंग की वो होता है लास्ट में सेटिंग जो पॉलर्स वाले आपको देते हैं और सेटिंग्स में ही आपके बालों की समझ आती है कि आपकी कटिंग किस तरह की हुई है उसके अलावा आपको समझ नहीं आती अभी हम चल रहे हैं स्टेप टू की तरफ पूरा पूरा मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ जाए स्टेप टू पे आपने बिल्कुल दरमियान में से मांग निकालनी है इस तरीके से ऐसे आप मांग निकालें और बिल्कुल यहां से सीधा आपने लेकर जाना है कान के पीछे तक इस तरीके से अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते आपके घर में कोई भी आपका ए, कोई बड़ी लेडीज मौजूद है आपकी बहन मौजूद है इवन कि आपके हस्बैंड अगर हैं उनको दिखा दे कि बिल्कुल सीध में यहाँ पे लाइन आ रही है कि नहीं आ रही इस तरीके से आपने कर लेना है एक से दो बार आप घर में करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे कि इस टाइम मुझे हुई भी है मैं अपनी कटिंग खुद करती हूँ और बहुत इजी वे में कर लेती हूँ आजकल आप लोग पॉलर्स जाएँ तो दो से तीन हज़ार तो इजीली वो लोग कटिंग का मांग लेते हैं और सेटिंग करके दिखाते हैं कि ये देखें आपके बाल बहुत अच्छे कट गए हैं जब आप घर आके वॉश करते हैं ना फिर आप कहते हैं वो कहाँ गई कटिंग इस तरीके से होता है क्योंकि मेन जो काम होता है ना वो सेटिंग का ही होता है वो सेटिंग करते हैं तो बालों की लुक बहुत अच्छी लगती है पर यहाँ पर आपकी वैसे भी अच्छी लगेगी इस तरीके से आपने दोनों साइडों से बाल लेने हैं और दोबारा से पोनी लगा लेनी है और दोबारा यहाँ पर इस तरीके से सीधे रुख में बाल काट लेने हैं जितने आगे से स्टेप्स आपको छोटे चाहिए उतने आप यहाँ से बालों की कटिंग कर लेंगे कैंची मेरी थोड़ी सी ख़राब थी तो मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन आप लोग जब कटिंग करें तो आप लोगों की कैंची जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि इजीली आपकी कटिंग हो जाए ये देखिए बिल्कुल सीध में मैंने बालों को काट लिया है बस अब हम पोनीटेल खोलेंगे और ये हमारा स्टेप टू भी कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पर आगे से भी स्टेप्स कट चुके हैं दोनों स्टेप्स एक जैसे थे पहले आपने पूरे बालों को लिया फिर आपने हाफ बालों को लिया ताकि आपके पूरे यहां पे स्टेप्स आ जाएं वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है मे भी आप लोग बोर हो रहे होंगे लेकिन मैं इस वजह से आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए ये ना हो कि आप लोग कटिंग करें और बाद में मुझे कमेंट्स में बोलेंगे भई आपने तो कुछ बताया था और हमारे तो यहाँ पे कुछ का कुछ हो गया है इसलिए मैं बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो बना रही हूँ अब हम चल रहे हैं स्टेप थ्री की तरफ इसमें भी आपने सेंटर से इस तरीके से मांग निकाल लेनी है ये देखें आपके जो स्टेप्स हैं वो आप साइड से निकालें और आपने जस्ट इतना देखना है कि आपके स्टेप्स जो है वो बिल्कुल क्लियर आए हैं कि नहीं स्टेप बाय स्टेप आपके बाल आए हैं कि नहीं ये यह देखें यहां पर आप कॉम की मदद से देख सकते हैं और जो आपको लगे कि आपके बिल्कुल सीध में नहीं जा रहे तो आप बिल्कुल अपनी यहां पे कॉम रख कर तो इसकी इस तरीके से कटिंग कर लें बहुत इजी वे है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो आप इजीली कर लेंगे आप यहां पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूं आपको अगर लग रहा है थोड़े से बाल ऊंचे नीचे हैं तो आप इस तरीके से इनको लेवल पे ले आए ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कितनी आसानी से मैं कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग होती है आगे चल के जब कटिंग की मैं सेटिंग करूँगी ना तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी है मुझे शॉर्ट हेयर्स पसंद है मुझे लॉन्ग हेयर्स पसंद है लेकिन दूसरों के अपने ऊपर मुझे शॉर्ट हेयर अच्छे लगते हैं क्योंकि इजीली वो मैं संभाल लेती हूँ लंबे बाल मुझसे संभाले नहीं जाते इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मोस्टली छोटे ही बाल रखती हूँ अब हम जा रहे हैं फोर्थ स्टेप की तरफ उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह जैसे आप लोग छोटे होते स्कूल जाते थे ना और दो पोनीटेल्स कर लेते थे उस तरीके से आपने पोनीटेल्स कर लेने हैं ये है हमारा लास्ट स्टेप इस स्टेप का जो सा लिंक है ना वो है आपकी लेंथ के साथ कि आपको लेंथ कितनी चाहिए जितनी आपको लेंथ चाहिए होगी जस्ट आपने उतने बाल काटने हैं इधर आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी मांग आगे से लेके पीछे तक बिल्कुल स्ट्रेट हो हाफ बाल इधर और हाफ बाल उधर उनको करके आपने अच्छे तरीके से कॉम कर लेना है ताकि कोई भी बाल ऊपर नीचे ना रहे क्योंकि ऊपर नीचे बाल रहेगा तो ये याद रखना है आपकी कटिंग भी ऊपर नीचे हो जाएगी तो अच्छे तरीके से कॉम करके आप बालों को सीधा करें और उसके बाद अच्छे तरीके से आप इसको पोनीटेल बांध लें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पॉलिटेस कर ली है मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ मैंने कटिंग ना करनी होती है मैं बिल्कुल भी आपको इस तरीके से करके ना दिखाती मुझे इतना अजीब सा लग रहा था खैर आपको लोगों को कटिंग करके दिखाने भी ज़रूरी है अब आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है इधर भी आपने बिल्कुल सीध में बाल काटने हैं जितनी आपको लेंथ चाहिए जितनी लेंथ आप छोटी करना चाहते हैं बिल्कुल उतने बाल आपने काट लेने हैं ये देखें यहाँ पे मैं काट रही हूँ मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने उस हिसाब से यहाँ पर बाल काट लेने हैं सभी कटिंग में आपने बिल्कुल सीध में काटने हैं कोई परेशानी नहीं है कोई कुछ नहीं है सीध में काटने से ही आपके बालों की कटिंग की शेप्स भी आ जाएगी आपके स्टेप्स भी आ जाएंगे बहुत इजी वे में आप लोग देख सकते हैं मैंने कटिंग की है इस तरीके से आपने मिला कर देखना है कि आपकी दोनों साइड्स इक्वली कटी हैं कि नहीं और उसके बाद आप लोगों ने अपनी ये लुक खत्म कर देनी है ये देखें इस तरीके से तो यहाँ पर हमारी कटिंग डन हो चुकी है और आप लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल स्टेप्स क्लियर नहीं आ रहे स्टेप्स क्लियर हैं बिल्कुल कटिंग हमारी डन हो चुकी है अब मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगी जिस तरह से पॉलिस में करते हैं बाद में या तो ब्लो ड्राई कर देते हैं या स्ट्रेट कर देते हैं उसमें आपकी सेटिंग्स हो जाती है तो अभी हम सेटिंग करते हैं इसकी ये देखें ये बालों की मैंने स्ट्रेटनर के साथ सेटिंग की है कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त कटिंग हुई है आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक एक स्टेप जोन सा है ना वो वाजिया हो रहा है इस तरीके से तो अभी आप देख सकते हैं सारा कमाल सेटिंग का होता है कटिंग जो सी है तकरीबन सभी कटिंग्स एक जैसी होती हैं स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं बाल आ रहे हैं और आप लोगों ने अब कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी कटिंग कैसी लगी यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक फ्लिक भी कट गया है बहुत अच्छी पफ की एक शेप आ रही है और बालों में शाइनिंग तो आप देख सकते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट के साथ माशाल्लाह ज़बरदस्त है तो इस तरीके से यही स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली लंबे बालों की कटिंग भी कर सकते हैं शॉर्ट हेयर्स की कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मैंने इस साइड पर फ्लिक्स करके भी आपको दिखाया है अब मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी कि कटिंग की लुक क्या है बिल्कुल यू शेप में कटिंग आई है जबरदस्त सी लुक लग रही है आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कटिंग कैसी लगी है और आपको स्टेप्स फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए आप लोगों को जहाँ से परेशानियाँ जहाँ से नहीं समझ आई वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं ये देखें इस तरीके से भी आप इसको सेट कर सकते हैं हेयर स्टाइल की लुक दे सकते हैं बहुत ज़बरदस्त था आप इस तरीके से इसको उठाकर कर आप पिनअप करें ईद पर आप जिस तरीके से चाहें हाई पोनी करनी है आपने जिस तरीके से भी चाहें तो आप अपनी कटिंग को लुक दे सकते हैं तो ज़बरदस्त यहाँ पे बेहतरीन किस्म की मुझे तो बहुत ज़बरदस्त बाल लग रहे थे अपने और नई लुक लग रही थी और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैंने आपको तीन हजार का खर्चा आपका पॉलर का बचा लिया है तो आप लोग भी इस तरीके से घर में इजीली कटिंग कर सकते हैं लो बजट में ये तो एक तरह से फ्री है जस्ट आपने कैंची चलानी है तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी कटिंग हुई है आप इस तरह से करें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेमेडी की तरफ तो ने तो नेक्स्ट रेमेडी है हमारी टोमेटो फेशियल और टोमेटो से लिया हमने पोटैटो टोमेटो पोटैटो भाई भाई यहाँ पे हमने आलू लिया है आलू में बेचारे हर सब्जी से सेट हो जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको टोमेटो से सेट किया है फेशियल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आपके जो ना कलर कोरेक्टर होता है आपके ब्लैक स्पॉट्स ब्लैक कलेक्शन ख़त्म करता है तो और यहाँ पे हमने लिया है एक टमाटर ये एक ही दफ़ा में यूज़ नहीं होगा बल्कि तीन स्टेप्स में यूज़ होगा आ, बारी बारी तो अभी हम लोग इतना सा ले लेंगे जिसको हमने सबसे पहले यूज़ करना है सबसे पहले हम लोग बनाने लगे हैं पॉलिशर तो पॉलिशर के लिए हम लोगों ने इतना सा टमाटर टुम, लिया है और साथ ही हम लोग ले लेंगे एक आलू ये एक बंदे के फेस मास्क के लिए मैं बना रही हूँ अगर आपके पास आलू बड़ा है और आप लोग दो से तीन मतलब के फेसेस के लिए लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप लोग बड़ा आलू यूज़ करेंगे और उसी हिसाब से आप लोग टमाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर लेंगे इस तरह से आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से और ब्लेंड करते हुए आप लोगों ने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना आप लोग विदाउट पानी क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है जब आप इसको ब्लेंड करें तो उसके साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है तो पानी इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप लोग पानी डालेंगे तो इसके जो आप लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे ये देखें हमने बगैर पानी डाले इसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या लेना है वो लेनी है इमली इमली को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था अब हमने इसको अच्छे तरीके से मसल मसल के इसके जो पल्प है ना जो उसका गुदा होता है वो ले लेना है और इसको साइड पे करें इस तरीके से और जस्ट हमने इसका भी पानी यूज़ करना है ये देखें यहाँ पर हमने इसको ले लिया है इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे और इसको कर देंगे साइड पर क्योंकि हमें चाहिए है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है आटा मैंने घर का नॉर्मली जो हम लोग आटा यूज़ करते हैं वो लिया है आप चाहें तो जौ का आटा भी ले सकते हैं बहुत बेहतरीन है यहाँ पर मैंने वन एंड हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैं आपको बताती चलूँ मैं जस्ट एक फेस पैक बना रही हूँ और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बेकिंग सोडा मतलब कि मीठा सोडा जो आम घरों में यूज़ होता है सभी चीज़ें वैसे वो हैं जो घरों में यूज़ होती हैं और बिल्कुल लो बजट में मैं आपको ये बता रही हूँ अब आपने क्या करना है मैंने यहाँ पे छाने ले ली थी चाय वाली आपके पास दूसरी छानी जो भी अवेलेबल है वो आपने ले लेनी है और इन तीनों चीजों का जस्ट हमें पानी चाहिए एक अच्छी और स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए जब आप लोग ये टमाटो फेशियल बनाएंगे ना जस्ट ये वाला स्टेप कर लेना आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे बाकी के दो स्टेप्स की जरूरत नहीं है लेकिन आप लोग एक प्रॉपर फेशियल करें वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ईद आ रही है तो आपको चमकता दमकता चेहरा चाहिए इस तरीके से अच्छी तरह से इसका सारा पानी निकाल कर आप लोगों ने एक अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक पेस्ट के रेडी हो चुकी है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किस्म का फेस पैक है आप लोग एक बार यूज़ करेंगे ना यकीन करें मुझे दुआएं देंगे चले जी हम लोग इसको फेस पे अप्लाई करते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया था पहले और जो कटिंग वाले बाल हैं वो मैं समेट चुकी हूँ यहाँ पे हमारा फ़ेस पैक है और हम अब इसको फेस पे अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ आपने इसको भर भर के अप्लाई करना है बिल्कुल भी ब्रेक लेयर नहीं लगानी चम्मच से मुझसे लग नहीं रहा था तो मैंने कहा अल्लाह ताली ने हाथ दिए हैं हाथों की मदद से ही लगा लेते हैं कोशिश करें एक मोटी लेयर फेस पे लगाएं और एक चीज याद रखा करें जब भी आप इस तरह के कोई काम करते हैं आप लोग कोई भी फेस मास्क या कुछ भी लगाते हैं ना फेस पे वो नेक पर जरूर लगाया करें क्योंकि फिर ये होता है कि आपका फेस का कलर कुछ और लगता है नेक का कलर कुछ और लगता है तो ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफी सा और कितना स्मूथ सा ये पेस्ट बन के रेडी हुआ है तो बाकी जो थोड़ी सी क्वांटिटीज की बच गई थी तो मैंने सोचा इसको हाथों पे भी लगा लिया जाए अच्छे तरीके से साथ साथ हमारा मैनीक्योर भी हो जाएगा पर आप लोगों ने पेडिक्योर बिल्कुल भी, भी नहीं करना क्योंकि आटा यूज़ हुआ है पाओं पर मत लगाएं इसको हाथों पे लगा लें बेहतरीन है पाँव के लिए आप लोग कुछ और कर लीजिएगा तो इसको मैंने हाथों पर भी अच्छे तरीके से बाजू पे अप्लाई कर लिया था इसको हम लोग रखेंगे फिफ्टी मिनट्स तो 15 मिनट्स के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने हाथों को वॉश कर लिया है किस कदर शाइन आई है आप देख सकते हैं कैसे गोरे गोरे हाथ चमक रहे हैं नजर आ रहा होगा आपको तो मेरा मैनिक्योर तो इसके साथ ही हो गया है अब मैंने लिया है बाउल बाउल में स्पंच लिया था और नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको साफ़ करना है यकीन करें इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे ना थोड़ी सी आपको इचिंग होगी क्योंकि बेकिंग सोडा है और टमाटर है उसकी वजह से होती है वो आप लोग जब ब्लीच करते हैं तभी बर्दाश्त करते हैं तो इसमें भी कर लें क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है इसके साथ अच्छे तरीके से हम लोग साफ़ करके अपना फेस वॉश कर लेंगे और ये देखिए आपको रिजल्ट्स माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इतनी स्मूथ स्किन हो गई थी ना यकीन करें कि आपको बिल्कुल भी पॉलर जाके फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं है देसी चीज़ें लगाया करें बजाय इसके कि आप लोग पॉलर्स जाएँ और वहाँ पर जाके केमिकल्स लगाएं बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग लगाएंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा अब हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ और स्टेप टू है हमारी स्क्रबिंग स्क्रबिंग में आपने क्या करना है इसी टोमेटो को आपने ओवर हाफ कर लेना है सेंटर वाला पोर्शन जो है आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए रख लेना है अभी आप लोगों ने क्या करना है टोमेटो के साथ आप लोगों ने लेनी है यहां पर चीनी चीनी हमारी बेहतरीन स्क्रबर है घर में जब आप नेचुरल तरीके से करना चाहें ना तो ये बेहतरीन किस्म का स्क्रब है इसको आपने इस तरीके से टमाटो पे लगा लेना है और साथ ही ले लेना ले ले है आप लोगों ने यहाँ पर शहद मतलब कि हनी हनी को इस तरीके से इसके ऊपर डालना है इससे आपकी स्किन का इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र ना ये आपकी स्किन के लिए कि आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है स्किन को इस तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को ले लेना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको मुंह पे लगाना है बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आप लोगों ने इसकी स्क्रबिंग करनी है और यह ध्यान रखना है कि अपने कपड़े बचा लेने हैं क्योंकि टमाटो में पानी होता है तो यहाँ पर ये शहद और टमाटर और ये चीनी मिलके ना बहुत ज़्यादा गिरता है नीचे तो मैंने यहाँ पर हाथ रख लिए थे और अच्छे तरीके से फेस की कर ली थी यहाँ पर इसके साथ स्क्रबिंग तो चार से पाँच मिनट के लिए आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करें ये देखिए मैंने कर लिए हैं आपको जगह जगह टमाटर के बीच लगे हुए नज़र आ रहे होंगे अब मैं इसको नॉर्मल जो टैप वाटर आ रहा होता है ना उसके साथ मैं इसको वॉश कर लूँगी या कोशिश करें आप लोग इसको ठंडे पानी के साथ धोएं जिनके पोर्स ओपन का जिनको प्रॉब्लम है तो दूर से ही आपको मेरे चेहरे की चमक नज़र आ रही है क्या मेरा मुँह लाइटें मार रहा है लश्कारें मार रहा है ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी स्क्रबिंग हुई है टू स्टेप्स में ही आप देख सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं पॉलर में फेशियल से भी क्या आपको रिजल्ट्स मिलते होंगे चले जी हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि हमारा फाइनल स्टेप है इसके लिए आपको चाहिए है वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने वन टेबल स्पून यहाँ पे बेसन लिया था और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी यूज़ की थी साथ ही हम लोग इसमें शामिल करेंगे दही वन टेबल स्पून इसमें जाएगा साथ ही हनी और लास्ट जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर टमाटर इसमें शामिल करेंगे इस तरह छानने की मदद से आप लोग प्रेस कर करके इस तरीके से टमाटर का पानी निकाल लें या आप लोग ब्लेंड करके भी इसको उसका पानी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से आप लोगों ने ले लेना है जैसे आपको इजीली लगे और अच्छी एक स्मूथ पेस्ट आप बना लें और ये है हमारा लास्ट फेस मास्क ये मास्क हम इस पर अप्लाई करेंगे स्क्रबिंग के बाद मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके जो ओपन पोर्स हो चुके हैं वो आपके क्लोज हो जाए तो ये है हमारा मास्क अब हम इसको भी अप्लाई करेंगे तो फेस मास्क हमारा रेडी हो चुका है अप्लाई के लिए अब हम इसको अप्लाई कर लेंगे आप लोग देख सकते हैं कितनी आसान और घर में यूज होने वाली चीज़ों के साथ मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं तो आप लोग भी इजीली इसको लगा सकते हैं और अपने चेहरे को चमकदार बना सकते हैं बिल्कुल लोअ बजट में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और पॉलर से भी अच्छा ग्लो आप लोगों को घर बैठे हुए मिले फिर से बता रही हूँ वैसे तो पॉलिस में फेस मास्क जो होता है जस्ट फेस पे अप्लाई किया जाता है लेकिन आप लोग नेक पे लाजमी अप्लाई किया करें इसको आप लोगों ने टेन मिनट्स के लिए ले लेना है रखना है मुंह पर लगाकर बिल्कुल फुली ड्राई नहीं करना उसके बाद आप लोगों ने जाके ठंडे पानी से मुंह धो लेना है और देख सकते हैं कितने बेहतरीन किस्म के रिजल्ट आए हैं मुझे अपनी स्किन से प्यार हो गया था इतने प्यारे रिजल्ट आए थे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह हमारा टोमेटो फेशियल भी कम्प्लीट हो चुका है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कितना सारा काम पॉलर के घर पे कर लिया है वीडियो लेंथ ही हो रही है लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए बोरिंग हो रही होगी क्योंकि अब हम लोगों ने चलना है अपने फाइनल और लास्ट रेमेडी की तरफ तो हमारी लास्ट रेमेडी है होम मेड वैक्स जिसकी वीडियो मैं सब पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ अभी दोबारा इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखी वो लाजमी देख लें इसके इन्ग्रीडियंट्स भी ऐसे हैं जो घर पे आप लोगों के पास नॉर्मली मौजूद होते हैं बहुत ही अच्छी वैक्स है ये लगाने से आपकी स्किन भी स्मूथ रहेगी आपको इरीटेशन भी नहीं होगी और आपकी बालों की ग्रोथ भी कम होगी चैलेंज जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है इसके लिए चाहिए है आपको एक ग्लास चीनी यहाँ पर मैंने एक ग्लास चीनी ली है और साथ ही हमें चाहिए है सेवन अप या स्प्राइट कोई भी वाइट बोतल आप लोग ले लेंगे और एक हमें चाहिए है यहाँ पे फटकरी का पीस इतना या ज़्यादा या कम जितना भी आप लेना चाहते हैं वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप लोग डाल लें तो बेहतरीन है बहुत ही बेहतरीन है क्वान्टिटी मैं आपको बताती चलूँ अगर आपने एक ग्लास से वैक्स बनानी है यहाँ पर तो आप लोगों ने हाफ़ ग्लास बोटल लेनी है मतलब कि जितनी चीनी की क्वांटिटी होगी उससे हाफ आपने बोतल लेनी है फिर से बताऊँ सेवन अपराइट के अलावा आपने कोई भी बोतल ले नहीं लेनी और अगर आपके पास दो ग्लास चीनी आपकी वैक्स आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पे एक ग्लास बोतल लेंगे हाफ क्वांटिटी के हिसाब से ठीक है ये तीन चीज़ें आपने ले ली और फटकरी आप लोग लाजमी डालें उससे ये होता है कि आपको इचिंग नहीं होती बाद में आपके जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है कोई अगर आपको इससे इन्फेक्शन है तो वो भी ख़त्म हो जाता है स्किन का वो भी नहीं होता तो फटकरी बहुत बेहतरीन है यहाँ पर तीनों चीज़ें हमने एक साथ डाल देनी है और फ्लेम ऑन कर देनी है फ्लेम आपने रखनी है मीडियम स्टार्टिंग में जब बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आप लोगों ने फ्लेम कर देनी है मीडियम टू लो पर इतनी फ्लेम आपने रखनी है कि बबल्स आएं लेकिन इसको बॉयल ना आए ये मतलब बॉयल होके बाहर ना गिरे जस्ट बबल्स आते रहें उस फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और ये जो चम्मच आप लोग इसमें यूज करेंगे वो आपने कोशिश करना है या तो नॉन स्टिक हो या फिर लकड़ी का चम्मच आप लोग इस पर यूज़ करें यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए थे तो मैंने जो फ्लेम थी वो मीडियम टू लो कर दी है अच्छे तरीके से आप लोग इसको कुक करेंगे तब तक कुक करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता बहुत ही बेहतरीन किस्म की और इजी वे में ये बनकर तैयार होती है बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है इस वैक्स के साथ आप इसकी फेस वैक्स भी कर सकते हैं जैसे कि आप बाहर से हॉट वैक्स कराते हैं वो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाता है बेहतरीन ऑप्शन यही है कि ये आप वैक्स घर पर बनाएं जिन लोगों के फेस में बाल आते हैं इसके साथ आप फेस वैक्स करेंगे ना तो यकीन करें आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर हमें चार से पाँच मिनट हो चुके थे पकाते हुए आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है जब इस तरह का कलर आपका आ जाएगा ना वैक्स का तो फिर आप लोगों ने क्या करना है एक प्लेट में लेना है इसको और चेक करना है कि इसकी तार बन रही है कि नहीं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लेट में मैंने ले लिया है बिल्कुल ही फ़ौरन आप लोगों ने चेक नहीं कर लेना क्योंकि फिंगर्स कहीं आपकी जल ना जाए थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखें और फिर आप इसको चेक करें ऐसे इस तरह से तो आपने चेक करना है इसकी प्रॉपर तार बन रही है कि नहीं बन रही मैंने इसको यहां पे चेक किया था इसकी तार अभी प्रॉपर नहीं बन रही थी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने सोचा इसको दो मिनट और पका लूँ और उसके बाद चेक करूँगी जब आपकी प्रॉपर तार बन जाए ना उसका मतलब होता है कि आपकी वैक्स रेडी है अभी यहां पे तार नहीं बन रही है मैंने इसको दो मिनट के लिए और पकाया है और पकाने के बाद आपने इसको इस तरह पतला पतला ही रखना है ये नहीं करना कि इसको गाढ़ा कर लेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो फिर अकड़ जाएगी आपने इस तरह लिक्विडी फॉर्म में ही इसको रखना है इसी में ये रेडी हो जाती है यहाँ पे मैंने सेकेंड टाइम इसको चेक करने के लिए लिया आप देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा की नस्बत अब जौन सा है कलर थोड़ा और डार्क हो चुका है इसकी दोबारा से हम लोग इस तरह से चेक करेंगे और अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी तार बनना स्टार्ट हो चुकी है जब आपकी ये तार बन जाए ना उसके बाद आपने जस्ट एक मिनट के लिए और पकाना है या आधे मिनट के लिए और पकाना है तो आप लोगों की वैक्स प्रॉपर तरीके से रेडी है तो यहां पर ये देख सकते हैं बिल्कुल लिक्विड में ही है वैक्स हमारी रेडी हो चुकी है अब आप लोगों ने क्या करना है कंटेनर लेना है कोई भी शीशे का जार ले लें अच्छा जार ले लें इस तरीके से केचप ये जो होते हैं सॉरी जैम के जार होते हैं घर में मौजूद होते हैं ये ले लें इसमें वैक्स डाल लें इस वैक्स को आपने ओवन में गर्म नहीं करना इस वैक्स के अंदर आप लोगों ने पानी शामिल नहीं करना क्योंकि इन दोनों सूरतों में आपकी वैक्स ख़राब हो जाएगी आप लोगों ने क्या करना है कंटेनर में इसको डालना है और जब भी आपने इसको यूज़ करना है इस तरीके से आपने किसी भी सॉस पैन में पानी लेना है और इसको अंदर रख देना है और इसको इस तरह से आप लोगों ने गर्म करके यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि इसके अंदर पानी ना जाए इसके अंदर गीला चम्मच ना जाए क्योंकि इस तरीके से ये वैक्स ख़राब हो जाएगी तो अपनी वैक्स कौन सी हम इस कंटेनर में निकाल लेंगे ये देखिए हमने निकाल ली है सिर्फ़ एक ग्लास चीनी से हम लोगों ने इतनी वैक्स बना लिया है कि अगर आपने फुल बॉडी भी करवानी है ना तो आप पाँच से छः बार ये वैक्स यूज़ कर सकते हैं फुल बॉडी करवाने के आजकल चार्जेस हैं चार से पाँच हज़ार रुपया लेते हैं अच्छे पॉलिस में तीन हज़ार रुपया लेते हैं तो अगर आप लोग एक ग्लास चीनी के साथ चार से पाँच बार करें ना सोचें तो आप लोग अपना दस हज़ार बचा रहे हैं तो बिल्कुल लो बजट में आपको सब चीज़ें दिखा रही हैं और अभी आपको वैक्स करके भी दिखाऊंगी आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ हमारी ये वैक्स बन के रेडी हुई है और यहाँ पर हम लोग वैक्स करेंगे और ये थी हमारी लास्ट रेमेडी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी सब कुछ फेशियल कटिंग वैक्सिंग सब चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी हैं ताकि आप लोगों के लिए ईद आसानी से गुजरे तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें ढेर सारे इस वीडियो को व्यूज़ दें बहुत सारा प्यार दें बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है मैंने न्यू मेंबर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सकें तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे भी दुआओं में याद रखें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लाती रहूं क्योंकि आप लोग तो आप लोग प्यार देंगे मुझे मोटिवेट करेंगे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मौटि, मिलेगी तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं तो अपना बहुत सा ख्याल रखें मुझे भी दुआओं में याद रखें अल्लाह नान अल्लाह हाफिज़